राजधानी रायपुर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य गुरदीप सप्पल ने शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय के राजीव भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गुरदीप सप्पल ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तब बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी महिलाओं को महालक्ष्मी न्याय योजना के तहत राशि ट्रांसफर की जाएगी और सरकारी वैकेंसी का 50% लड़कियों के लिए रिजर्व रहेगा। कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, तो सबसे पहले हम महालक्ष्मी न्याय योजना के तहत महिलाओं को एक एक लाख रुपया सालाना देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि जो उनको अपनी बचत काट कर घर का खर्चा चलाना पड़ रहा है, जो उनको अपने मंगलसूत्र गिरवी रखने पड़ रहे हैं, वो कम से कम सरकार पैसा दे और मोदी जी ने जो मंगलसूत्र गिरवी रखवा दिया है उसको छुड़ा कर ले आए और साथ में अपने घर की बेसिक जरूरतों को पूरी करने के लिए ये पैसा कांग्रेस पार्टी हर गरीब महिला को हर साल देगी। साल में 1 लाख रुपया, महीने में लगभग 8,500 रुपया ये बनता है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी केवल महिलाओं के मंगल सूत्र का सम्मान नहीं करती, वो महिलाओं के गले में पड़े, लड़कियों के गले में पड़े मेडल का सम्मान भी करती। हम लोग जानते हैं कि साल दर साल लड़कियां हर कॉम्पिटिशन में, 10वीं का एग्जाम हो, 12वीं का एग्जाम हो, कोई प्रोफेशनल एग्जाम हो, लड़कियां लड़कों से आगे हैं और जितना वो पढ़ाई में आगे हैं, वो जो मेडल पढ़ाई में जीत रही हैं, उतना उनको नौकरी में जगह नहीं मिल रही। तो इंडिया अलायंस की सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आएगी तो 50% सरकारी जॉब हम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए रिजर्व करने जा रहे हैं। इस देश में जितनी सरकारी वैकेंसी होगी उसका 50% लड़कियों के लिए रिजर्व रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी का वायदा।